अगर नीतीश कुमार से मैं बोलूं तो वो आकर के बाबा जी के क्षेत्र में एक बार इस हॉस्पिटल में आकर के एक बार घूम ले। अगर उनको घूमने का नहीं मन भी कर रहा है तो उसको एक बार डेंगू हो जाए और इस हॉस्पिटल में एक बार एडमिट हो जाए, उसको पता चल जाएगा कि यहाँ का कैसा व्यवस्था है। यूपी में बढ़ते डेंगू के मामलों के बीच बिहार के तमाम मरीज भी अब यहाँ के अस्पतालों में आकर अपना इलाज कराने लगे हैं। यूं तो बिहार में बदलती सरकार के साथ स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी भी अब नए मंत्री के पास पहुंच गई है, लेकिन यूपी में आए मरीजों ने योगी सरकार के हेल्थ मॉडल को लेकर नीतीश कुमार को तमाम नसीहतें दी हैं। यूपी के गोरखपुर में सिवान से आकर अपना इलाज करा रहे धन्नु कुमार एक ऐसे ही मरीज हैं। अस्पताल में अपना इलाज करा रहे धन्नु कुमार कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मॉडल से बिहार को बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। वो ये भी कहते हैं कि बीते 15 सालों से नीतीश कुमार राज्य के शासन में, लेकिन बिहार का हेल्थ मॉडल ऐसा नहीं है जिस पर ज्यादा विश्वास किया जा सके। सिवान जिले से आने वाले धन्नु कुमार कहते हैं कि अगर नीतीश कुमार को भगवान ना करे डेंगू की कोई बीमारी हो जाए तो उन्हें यूपी आकर योगी के अस्पताल में इलाज कराना चाहिए। अगर नीतीश कुमार से मैं बोलूं तो आकर के बाबा जी के क्षेत्र में एक बार इस हॉस्पिटल में आकर के एक बार घूम ले। अगर उनको घूमने का नहीं मन भी कर रहा है तो उसको एक बार डेंगू हो जाए और इस हॉस्पिटल में एक बार एडमिट हो जाए, उसको पता चल जाएगा कि यहाँ का कैसा व्यवस्था है। धन्नु कुमार कहते हैं कि बिहार में तमाम लोग ऐसे हैं जिन्हें अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पाती, तमाम लोग ऐसे हैं जो इलाज के लिए उत्तर प्रदेश के वाराणसी और गोरखपुर आकर अपने परिवार को यहाँ के डॉक्टर्स को दिखाते हैं, लेकिन बिहार में सुधार नहीं हो पा रहा है। तमाम बार मरीजों को इसके लिए जूझना भी पड़ता है। बिहार के रहने वाले हैं सिवान जिले का, यहाँ बाबा जी के हॉस्पिटल में हम पहले से भी दो मरीज लेकर डेंगू पेशेंट आए थे, वो लोग भी दोनों ठीक हो गए। उसके बाद हम घर पे गए, हमको भी डेंगू हो गया, यहाँ पर हम आ करके खुद ही एडमिट हुए हैं। और हमारे यहाँ जो सरकारी जो हॉस्पिटल है वहाँ का स्थिति बहुत 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 दयनीय है। वहाँ का स्थिति, वहाँ कुछ व्यवस्था नहीं है नीतीश कुमार के यहाँ, ठीक है। बाबा जी के हॉस्पिटल में सब कुछ व्यवस्था, सब कुछ सही है। यहाँ हर एक चीज़ का व्यवस्था, खाने पीने का भी व्यवस्था बहुत बिल्कुल अच्छा है। धन्नु कुमार 9 नवंबर को सिवान में बीमार पड़े थे, जिसके बाद 10 नवंबर को 2 बजे रात उन्हें गोरखपुर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। धन्नु अब जिला अस्पताल की सुविधाओं से खुश हैं। वो ये कहते हैं कि गोरखपुर में सीएम सिटी होने के कारण जिला अस्पताल की हालत काफ़ी बेहतर है और सिवान समेत पूरे बिहार में ऐसी ही स्वास्थ्य सुविधाएँ विकसित होनी चाहिए। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।